तांबा, कॉपर। तांबे का उपयोग आदिकाल से किया जा रहा है। मनुष्य को सर्वप्रथम उपयोग में आई हुई यह धातु थी। इसके मिश्रण होने के गुण के कारण इसका महत्व अधिक है। इसमें कलई मिलाकर कांसा बनता है एवं जस्ता मिलाने से पीतल बनती है। इसका अधिकांशतः बिजली के साधनों में, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर आदि साधनों को बनाने में उपयोग होता है। यह विद्युत की सुवाहक धातु है। इसके उपरांत जंतुनाशक दवाओं, स्फोटक पदार्थ, रंगीन कांच, सिक्के एवं छपाई काम के उपयोग में होता है। भारत में तांबे का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य झारखंड, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है। इसके उपरांत सिक्किम एवं आंध्र प्रदेश में से भी प्राप्त होता है। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में भी तांबा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि आदिकाल से ही जो है तांबे का उपयोग अधिक मात्रा में होता है और मनुष्य को सबसे पहले मिली हुई यह धातु थी कि जिसका मिश्रण जो है लोगों को करना पता था और उसके बारे में लोगों को जानकारी थी। और इसके मिश्रण का जो है गुण कि यह सभी धातुओं के साथ मिल जाती है, इसकी वजह से जो है यह अधिक महत्व रखती है। इसमें जो है कलई मिलाई यदि हम तो कांसा बनता है एवं जस्ता मिलाने से जो है यह पीतल बनता है। और अधिकांशतः जैसे जो बिजली होती है, बिजली के साधन जैसे कि जहाँ पे वायर वगैरह का उपयोग होता है वहाँ पे टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि साधनों को बनाने में इसका उपयोग होता है। यह विद्युत की जो है सुवाहक धातु है। इसके उपरांत जो है जंतुनाशक दवा, स्फोटक पदार्थ, रंगीन कांच, सिक्के एवं छपाई काम में भी इसका उपयोग होता है। और यह मुख्य रूप से जो है झारखंड, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से प्राप्त होते हैं। इसके उपरांत जो है बिहार, कर्नाटक में से भी तांबा प्राप्त होता है। बॉक्साइट। यह धातु एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। यह सर्वप्रथम 1821 में फ्रांस के ले बॉक्स के पास से मिली थी। बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसके विशिष्ट गुण के कारण इसके विविध उपयोग है। यह वजन में हल्की, मजबूत, टिकाऊ, विद्युत का सुवाहक, जंग प्रतिरोधक एवं सरलता से पीटा जा सकता है। इसका उपयोग गृह उपयोग के बर्तन, बिजली के साधन, रंग एवं हवाई जहाज को बनाने में किया जाता है और अधिक प्रमाण में इसका उपयोग होता है। भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात में बॉक्साइट मिलता है। यह खनिज डेक्कन ट्रैप की भूस्तरीय रचना वाले प्रदेशों में से मिलती है। उत्तराखंड में रांची, गुजरात में जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत एवं बनासकांठा जिले में से बॉक्साइट प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो है एल्यूमिनियम की कच्ची धातु का स्वरूप है। 1821 में जो है फ्रांस के ले बॉक्स के पास से यह धातु मिली थी और बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम जो है वह प्राप्त होता है। इसके विशिष्ट गुण के कारण जो है इसका उपयोग अधिक होता है और यह जो है हल्की है, मजबूत है और टिकाऊ है और विद्युत का सुवाहक, जंग प्रतिरोधक एवं सरलता से पीटा जा सके ऐसी धातु है। इसका उपयोग जो है गृह उपयोग में जो आने वाले बर्तन जैसे बिजली के साधन, रंग, हवाई जहाज वगैरह को बनाने में और अधिकतर जो है उद्योगों में इसका उपयोग होता है। भारत के जो है ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात आदि राज्यों से यह प्राप्त होता है। और गुजरात में जो है मुख्य रूप से जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत एवं बनासकांठा आदि जिलों में से बॉक्साइट प्राप्त होता है। उसके बाद है अब्रक। विश्व में भारत अब्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अब्रक अग्निरोधक विद्युत का अवाहक होने से इसका उपयोग बिजली के साधन बनाने में होता है, जैसे कि बिजली की मोटर, डायनेमो रेडियो, टेलीफोन, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज इत्यादि की बनावट में उपयोगी है। भारत में बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान अब्रक के उत्पादन के मुख्य राज्य है। इसके उपरांत कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु में से भी अब्रक प्राप्त होता है। भारत में मस्कोवाइट नामक अब्रक का विशाल भंडार मिला है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विश्व में जो है अब्रक के उत्पादन के क्षेत्र में जो है भारत प्रथम स्थान रखता है और यह अग्निरोधक होने से विद्युत का अवाहक जो है वह होने से इसका उपयोग बिजली के साधनों में होता है, जैसे कि बिजली के मोटर बनाने में, डायनेमो रेडियो, टेलीफोन, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज इत्यादि को बनाने में इसका उपयोग होता है। और मुख्य रूप से जो है यह हमें गुजरात के झारखंड, आंध्र हमें जो है यह भारत के बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान से यह प्राप्त होता है। और इसके उपरांत जो है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु में से भी हमें अब्रक प्राप्त होता है। भारत में जो है मस्कोवाइट नामक अब्रक का जो है विशाल भंडार मिला
है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है सीसा, शीशे की धातु को गैलेना कहते हैं। यह मुलायम एवं वजन में भारी होता है। इसका उपयोग मिश्र धातु बनाने, बिजली के तार, रंग, शस्त्र, कांच, रबर तथा स्टोरेज बैटरी की बनावट में होता है। भारत में सीसा अधिकतर राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य से मिलता है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मेघालय एवं सिक्किम जैसे राज्यों में से सीसा मिला है। शीशे का उत्पादन खूब अधिक मात्रा में होने के बावजूद यह हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं करता है। इसे विदेश में से आयात करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि शीशा जो है उस धातु को गैलेना भी कहते हैं। यह जो है मुलायम एवं वजन में भारी होता है। इसका उपयोग जो है मिश्र धातु बनाने में, बिजली के तार, रंग, शस्त्र, कांच तथा जो स्टोरेज बैटरी होती है वह बनाने में इसका उपयोग होता है। भारत में जो है हमें अधिकतर जो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में से शीशा प्राप्त होता है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में से भी जो है शीशा प्राप्त होता है। परंतु हमारे यहाँ पे जो है शीशे का जो है उत्पादन खूब अधिक प्रमाण में होने के बावजूद भी हमारी जो आवश्यकता है वह पूर्ण नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें जो है शीशा विदेश से आयात भी करना पड़ता है। चूने का पत्थर, लाइमस्टोन। चूने का उपयोग सीमेंट बनाने के बड़े पैमाने पर होता है। तदुपरांत यह लोहा गलाने एवं रासायनिक उद्योग, सोडा एश, साबुन, रंग रसायन, भवन निर्माण, कागज एवं शुद्धिकरण में उपयोग में चीनी शुद्धिकरण में उपयोग होता है। देश में 70% चूने का उत्पादन करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं तमिलनाडु है। इसके उपरांत छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश चूने का पत्थर उत्पन्न करने वाले अन्य राज्य हैं। गुजरात के मुख्य उत्पादक जिले जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, अमरेली एवं खेड़ा माने जाते हैं। बनासकांठा, महसाणा, साबरकांठा, वडोदरा, पंचमहल, भरूच, नर्मदा, सूरत, भावनगर एवं राजकोट आदि जिले से भी चूने की चट्टान पाई जाती है। जामनगर जिले से प्राप्त होने वाला चूने के पत्थरों में 97% चूने का तत्व मिला होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि चूने का जो उपयोग है वह सीमेंट बनाने में बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। और इसके उपरांत जो है लोहा गलाने के लिए, रासायनिक उद्योग, सोडा एश, साबुन, रंग रसायन, फिर जो भवन निर्माण, कागज एवं जो है यहाँ पे चीनी शुद्धिकरण के लिए चूने के पत्थर का उपयोग होता है। देश में 70% चूने का जो उत्पादन करने वाले राज्य है वह जो है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं तमिलनाडु है, जहाँ से जो है 70% चूना जो है हमें प्राप्त होता है। इसके उपरांत भी कुछ राज्य है जहाँ से हमें जो है चूना प्राप्त होता है, जैसे कि छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश वगैरह। और गुजरात में जो है मुख्य रूप से जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, अमरेली जो है खेड़ा जो है यह मुख्य रूप से जो है चूने के उत्पादन माने जाते हैं। और यहाँ पे हमें बताया कि बनासकांठा, महसाणा, साबरकांठा, नर्मदा, भावनगर, राजकोट आदि जिलों से भी जो है चूने की चट्टान मिली हुई है और वहाँ पे चूने की चट्टान पाई जाती है। जामनगर में से जो प्राप्त होने वाला चूना का पत्थर है उसमें 97% जो है चूने का तत्व मिला होता है।